हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग जिसका नाम है एक्सेलेंट फार्मेसी कोचिंग। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोएबिलिटी के बारे में। बायोएबिलिटी के ऊपर मैं एक वीडियो पहले भी इस पर बना चुका हूं, आप लिंक वीडियो में देख रहे हैं, आपको दिख रही होगी। और आज की जो वीडियो है ये बायोएबिलिटी का पार्ट टू है। सो बायोएबिलिटी के बारे में हमने पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे से डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर भी मैं वैसे डेफिनेशन बताऊंगा लेकिन इन शॉर्ट बताऊंगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं या इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एक्सेलेंट फार्मेसी कोचिंग को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बायो अवेबिलिटी। ओके, बायो अवेबिलिटी इज डिफाइंड एज रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब फ्रॉम इट्स डोजेस फॉर्म प्रेजेंट एट द डिजायर्ड साइट ऑफ एक्शन। बायोबिलिटी हम किसको कहते हैं? जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं वो टैबलेट फॉर्म में भी हो सकती है। ओके, डोजेस फॉर्म की बात कर रहे हैं, वो टैबलेट फॉर्म में भी हो सकती है, वो कैप्सूल के फॉर्म में भी हो सकती है, वो इंजेक्शन के फॉर्म में भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। सो उस फॉर्म से कितनी अमाउंट में और कितने समय में वो ड्रग हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है और जिस जगह पर उसे एक्शन करना है, साइट ऑफ एक्शन, उस जगह पर वो अपना डिजायर्ड साइट ऑफ एक्शन पर अपना इफेक्ट दिखा रही है, उसको बोलते हैं बायो अवेबिलिटी। सिंपल सा बायो अवेबिलिटी, दो शब्द हैं, बायो एंड अवेबिलिटी। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब ह्यूमन, तो ह्यूमन के अंदर ड्रग का अवेलेबल होना। ठीक है, जब हम कोई ड्रग लेते हैं वो किसी भी फॉर्म में हो, वो डोजेस फॉर्म की अगर हम बात करें तो टैबलेट फॉर्म में हो सकती है, वो कैप्सूल के फॉर्म में भी हो सकती है, वो इंजेक्शन के फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो जब हम इन डोजेस फॉर्म को लेते हैं तो जब ये डोजेस फॉर्म हमारी बॉडी में जाते हैं, मतलब टैबलेट कैप्सूल इंजेक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो वहाँ से जो ड्रग होती है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है और एब्जॉर्ब होने के साथ कितनी अमाउंट में एब्जॉर्ब होगी और कितने समय में एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, और एब्जॉर्ब होने के बाद वो डिजायर्ड साइट ऑफ एक्शन पर प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। आई थिंक आप समझ गए होंगे। आइए दोस्तों, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल है पैरासीटामोल। जब भी आपको बुखार आ जाता है, फीवर आ जाता है, तो आप पैरासीटामोल की गोली खाते हैं जिससे बुखार उतर जाता है। ओके, सो पैरासीटामोल जो है वो मार्केट में मान लीजिए कि 650 mg की टैबलेट मिलती है, 650 mg में पैरासीटामोल एक टैबलेट मिलती है। अब क्या होता है, जब ये टैबलेट हम माउथ से या ओरल रूट से इंजेस्ट करते हैं या हम लेते हैं, निगलते हैं, सब क्या होता है कि पैरासीटामोल जो होती है उसका सबसे पहले डिसइंटीग्रेशन होता है, मतलब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटती है, फिर उसका डिसोल्यूशन होता है, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है, फिर मेटाबॉलिज्म होता है, और अगर फूड प्रेजेंट है स्टमक के अंदर तो फूड और ड्रग का इंटरेक्शन भी हो सकता है। तो इन सारी प्रोसेस के दौरान ये जो पैरासीटामोल हमने 650 mg मिली थी, जब ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होकर जिस जगह पर एक्शन करना चाहिए उस जगह पर जब एक्शन करती है, तो ये पैरासीटामोल वहाँ पर ओनली 500 mg ही पहुँच पाती है। हमने लिया था इतना 650 mg, लेकिन हमारी बॉडी में जिस जगह पर एक्शन, उसका डिजायर्ड साइट ऑफ एक्शन है, वहां पर 500 mg ही पहुंच पाती है। सो 150 mg का क्या हुआ, 150 mg इन प्रोसेस के दौरान, डिसइंटीग्रेशन के दौरान, डिसोल्यूशन के दौरान, मेटाबॉलिज्म के दौरान और फूड ड्रग इंटरेक्शन के दौरान, वो जो बचा हुआ पार्ट था ड्रग का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस डेफिनेशन में यही समझाया गया है कि बायोअवेलेबिलिटी इज डिफाइंड एज रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड ड्रग फ्रॉम इट्स डोजेस फॉर्म एंड प्रेजेंट एट द डिजायर्ड साइट ऑफ एक्शन। हमने जो डोजेस फॉर्म लिया है, हमने जो टैबलेट ली है 650 mg की, वो जब हमारी बॉडी के अंदर गई, जाने के बाद उसके साथ कई तरह की प्रोसेस हुई, जैसे डिसइंटीग्रेशन हुआ, डिसोल्यूशन हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ, फूड ड्रग इंटरेक्शन हुआ, इन सारे प्रोसेस में कुछ पार्ट जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाता है और जहाँ पर डिजायर्ड साइट ऑफ एक्शन पर ओनली 500 mg ही पहुँच पाती है। ओके, सो ये था डेफिनेशन बायोबिलिटी के बारे में। अब हम आगे देखते हैं बायोबिलिटी के बारे में। बायोबिलिटी को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, बायो अवेबिलिटी इक्वल टू एरिया अंडर कर्व ओरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का एंड एरिया अंडर कर्व इंट्रावीनस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। ओके, एओसी का मतलब होता है एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, एओसी। ओके, आइए देखते हैं उसको एक ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हमने दो रेखाओं पर या दो एक्सिस में एक प्लॉट बनाया है जिसमें एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में हम टाइम बता रहे हैं और यहाँ पर हम मान लीजिए कि हम आवर्स के रूप में लेते हैं, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर। ओके,
सो एक एक्स एक्सिस पर हमने टाइम को डिनोट किया और वाई एक्सिस पर हमने कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा को डिनोट किया। ठीक है, जब हम ड्रग लेंगे तो वो हमारी बॉडी में लास्टली एब्जॉर्ब होकर कहाँ पहुंचेगी, ब्लड के अंदर, ब्लड का जो प्लाज्मा वाला पोर्शन होता है वहां पर। तो कितने समय में, कितने अमाउंट में ड्रग पहुंच रही है, उसके बीच में हमने एक ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब इस ग्राफ में आप देखिए, एक मैंने यहाँ पर एक ये लाइन खींची है, ठीक है, इसको बोलते हैं MEC, मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन, ओके। और एक लाइन यहाँ पर है रेड कलर की, जिसको मैंने बोला MSC, मतलब मैक्सिमम सेफ कंसेंट्रेशन। ठीक है, जब हम ड्रग को बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं या एडमिनिस्टर करते हैं, तब ड्रग का कुछ टाइम के साथ अपना कंसेंट्रेशन जो होता है वो अपीयर होता है। सो मान लीजिए हम यहाँ पर तीन कंडीशन देते हैं। फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में ये जो ड्रग है जो हमने ली है वो हम देना स्टार्ट करते हैं और वो लगभग 20 mg तक जाती है, उसके बाद उसका जो हाई पार्ट होता है वो वाला पार्ट यहाँ पर जाकर एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, मतलब कुछ समय तक 20 mg तक ये ड्रग जो होती है वो हमारी बॉडी में एक्शन दिखाती है और उसके बाद वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन। लेकिन इस तरह का जो ड्रग का डोजेज फॉर्म है या जो ये जो ड्रग है ये हमारी बॉडी में ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखा पाती है, ओके, पूरी तरह से जो एक्शन देना चाहिए वो एक्शन नहीं दे पाती है। नेक्स्ट कंडीशन मान लीजिए कि इसको हम ए कंडीशन बोल देते हैं। एक बी कंडीशन होती है जिसमें हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट से, जैसे ही हमने एडमिनिस्टर करा वो ड्रग एक पीक लेवल तक जाती है, देन वापस एलिमिनेशन प्रोसेस से वापस डाउन हो जाती है। ठीक है, तो इसको हमने बोल दिया बी पोजिशन। एंड नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में हम फिर से ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं और वो जो ड्रग होती है वो इस रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर से होते हुए फिर से वापस एलिमिनेशन पॉइंट से आउट हो जाती है। तो यहाँ पर हमने तीन कंडीशन देखी, कंडीशन ए, कंडीशन बी एंड कंडीशन सी। ए कंडीशन में क्या होता है, जो ड्रग होती है वो अपना एक्शन दिखाना स्टार्ट करती है, लेकिन जैसे एक्शन दिखाना स्टार्ट करती है थोड़े समय बाद वो एलिमिनेट पॉइंट पे पहुंच जाती है, मतलब हमारी बॉडी से उसका इफेक्ट खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर बी कंडीशन हुई, इसमें ड्रग ने मैक्सिमम टाइम तक अपना इफेक्ट दिखाया और लास्ट में वो बॉडी से एलिमिनेट हो गई। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में, ये जो थर्ड ऑप्शन होता है मतलब सी पॉइंट जो होता है, सी कंडीशन में जब ये ड्रग का कंसेंट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ा तो इसने इस रेड लाइन को क्रॉस कर दिया जो कि मैक्सिमम सेफ कंसेंट्रेशन था। अब इस जगह पर क्या होगा, इस जगह पर हमारी बॉडी में जब ये नॉर्मल मिनी मैक्सिमम सेफ कंसेंट्रेशन से ऊपर पहुंच जाता है ये कर्व, तो यहाँ पर हमें बॉडी में साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिलती है। ठीक है, आगे हम इन पॉइंट, ये जो क्वेश्चन है इनको भी कवर करेंगे, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो ये जो पॉइंट होता है थर्ड वाला, सी वाला पॉइंट, ये हमारी बॉडी में एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब हम जब इस तरह की जो ड्रग एक्शन दिखाएगी उसको हम बॉडी के अंदर इंजेस्ट नहीं करेंगे। हमारे लिए सबसे सुटेबल कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर न तो साइड इफेक्ट दिख रहे हैं और न ही ऐसा लग रहा है कि ये मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन के साथ बॉडी से आउट हो रही है, मतलब ये मैक्सिमम कंसेंट्रेशन भी दे रही है और मिनिमम साइड इफेक्ट भी दे रही है, ओके, मतलब साइड इफेक्ट तो नहीं पर थेरापेटिक इफेक्ट देगी। तो इसको हम बोलते हैं एरिया अंडर कर्व। ये हमने ग्राफ प्लॉट किया है दिखाने के लिए, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तीन कंडीशंस है, कंडीशन ए, कंडीशन बी एंड कंडीशन सी। ए कंडीशन में मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन तक ग्राफ प्लॉट होता है, उसके बाद ये एलिमिनेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बी कंडीशन में ये ग्राफ मैक्सिमम पॉइंट तक ही पहुंचता है, उसके बाद फिर बॉडी से एलिमिनेशन हो जाता है। ठीक है, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ तक का, इसको हम बोलते हैं टी मैक्स, मैक्सिमम टाइम जितना लगा ड्रग के कंसेंट्रेशन को ब्लड में पहुंचने में या ड्रग के कंसेंट्रेशन को ब्लड में बढ़ने में, मैक्सिमम टाइम उसको बोलते हैं टी मैक्स, ओके। एंड थर्ड कंडीशन है सी कंडीशन। सी कंडीशन में क्या हुआ, सी कंडीशन में ये ड्रग इस रेड लाइन को क्रॉस कर गई, मतलब मैक्सिमम सेफ कंसेंट्रेशन को क्रॉस करके ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखाने लग गई और फिर लास्ट में एलिमिनेशन हो गया। तो इस कंडीशन में हमारी बॉडी में एडवर्स ड्रग रिएक्शन स्टार्ट होना हो जाती है, स्टार्ट होने लग जाती है, साइड इफेक्ट दिखने लग जाते हैं हमारी बॉडी में, देन टॉक्सिक इफेक्ट देखने लग जाते हैं। सो ये इस तरह की जो होती है ड्रग, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इस तरह की ड्रग को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पर जो बी कंडीशन है, बी वाला कर्व है, उस तरह की जो ड्रग होती है वो सेफ एंड इफेक्टिव तरीके से हमारी बॉडी में एक्सेप्ट की जाती है, ओके। अब एक पॉइंट था एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व क्या होता है, तो हमने वही प्लॉट यहाँ पर समझाने के लिए अलग से बना दिया है। एक्स एक्सिस पे टाइम को डिनोट कर दिया है, वाई एक्सिस पे कंसेंट्रेशन ऑफ ब्लड इन
प्लाज्मा को डिनोट कर दिया। ये एक मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन हमने पॉइंट बना दिया, एक मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन पॉइंट बना दिया। अब ये जो बी वाली कंडीशन थी जहाँ पर एक थेरापेटिक इफेक्ट दिख रहा था ड्रग का, थेरापेटिक इफेक्ट मतलब बीमारी से रोकने के लिए जो ड्रग का एक सेफ इफेक्ट होता है, ठीक है, थेरेपी देना, उसको बोलते हैं थेरापेटिक इफेक्ट। तो यहाँ पर ड्रग ने मैक्सिमम थेरापेटिक इफेक्ट दिया और लास्ट में एलिमिनेशन पॉइंट से वो हमारी बॉडी से आउट हो गई। ये एडमिशन पॉइंट है, ये एलिमिनेशन पॉइंट है। तो इनके बीच में जो ग्राफ प्लॉट हुआ, ये जो हमने ग्राफ प्लॉट किया इस तरह से, इसको बोलते हैं एरिया अंडर कर्व। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ओके, सिंपली बायोअवेलेबिलिटी का मतलब होता है हमने जो भी डोजेस फॉर्म लिया है वो पूरा का पूरा हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, कुछ जो होता है उसका कुछ पार्ट वो इन प्रोसेस के दौरान जैसे डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, मेटाबॉलिज्म, फूड ड्रग इंटरेक्शन के दौरान हमारी बॉडी में डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उसका कुछ ही पार्ट जैसे यहाँ पर पैरासिटामोल का 650 mg लिया था लेकिन पहुँचा उस जगह पर जहाँ पर एक्शन दिखाना था वहाँ पर 500 mg ही पहुँच पाया। इसको हम बोलते हैं बायोअवेलेबिलिटी। एक्सटेंट एंड रेट, एक्सटेंट का मतलब होता है अमाउंट, ये जो अमाउंट दिखा रहा है ये, एंड रेट कितनी कितने समय में पहुंचा, ये समय का ग्राफ है द टाइम। ओके, बट ये ओरल रूट में था। अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं इंट्रावीनस रूट की, तो यहाँ पर बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है, ठीक है, जितना आपने लिया था उतना ही हमारी बॉडी में भी एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ड्रग डायरेक्टली हमारे ब्लड के अंदर पहुँचती है, वो इन प्रोसेस से गुजरती नहीं है, डिसइंटीग्रेशन, फूड ड्रग इंटरेक्शन, डिसोल्यूशन, मेटाबॉलिज्म, इन प्रोसेस से गुजरती नहीं है। सो ड्रग का जो डिस्ट्रॉय होना वाला पार्ट होता है वो ड्रग डिस्ट्रॉय होता नहीं है और डायरेक्टली हमारे ब्लड के अंदर पहुंचती है और ब्लड से वो अपना एक्शन दिखाना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पर बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप समझ गए होंगे बायोअवेलेबिलिटी क्या है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।